Hello students, today we are going to talk about NDT, Bobath approach. What is NDT? NDT is neurodevelopmental technique. This is given by the Berta Bobath in 1940s, like in 1943, with her husband Dr. Karen, who was a neuropsychiatrist. So जब ये टेक्निक दी गई थी, ये दी गई थी सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स पे, बट नाउ इट हैज बीन यूज्ड इन मैनी अदर पेशेंट्स, इन एनी काइंड ऑफ पेशेंट्स विच आर हैविंग न्यूरो प्रॉब्लम्स, एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स विद द न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज. ठीक है, एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, ठीक है, TBI, ठीक, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, और ये मोस्टली हेमिप्लेजिक्स के लिए ही दी जाती है इन स्पास्टिक पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स विद सेरेब्रल पाल्सी. ओके, यू कैन से बोबाथ इज अ सेंसरी मोटर अप्रोच. सेंसरी मोटर अप्रोच मींस कुछ सेंसेशन, कुछ टाइप के स्टूमुलस देते हैं जिसकी वजह से कुछ मोटर डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो, जैसे हमने MRP में पढ़ा कि कुछ मोटर जो हमें याद होते हैं और हम भूल जाते हैं ड्यू टू डिजीज प्रोसेस, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सिंपल से टेक्निक्स यूज करते हैं जो कि इस पे डेवलपमेंट इन अ मोटर पैटर्न को डेवलपमेंट में हेल्प करता है इन अ हायरार्की मोड. जैसे कि हमारे मोड हो गए फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग टू स्टैंडिंग. ठीक है, हायरार्की मोड मतलब कि पहले कोई फ्लैशर स्टेट पे, फिर स्पास्टिक स्टेट पे, फिर रिकवरी स्टेट पे. ये भी उसी मॉडल पे काम करता है. दे आर सर्टेन मॉडल्स, न्यूरोजेनिक मॉडल्स होते हैं जो कि इस पे काम करते हैं. जैसे कि एक मॉडल होता है न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल, एक होता है रिफ्लेक्स थ्योरी मॉडल, एक होता है हायरार्कल मॉडल, एक होता है सेंसरी अप्रोच मॉडल. न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल में क्या होता है कि कहते हैं कि दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं. जैसे कि एक सिस्टम हो गया ओपन लूप सिस्टम, एक सिस्टम हो गया क्लोज लूप सिस्टम. ओपन लूप सिस्टम मींस वॉलंटरी कंट्रोल, कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, मसल्स और ये सारी चीज़ें वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, दिस इज ओपन लूप सिस्टम. एंड क्लोज लूप सिस्टम इज अ पोस्चरल कंट्रोल, दैट मींस कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पोस्चरल कंट्रोल में होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, बट इसकी वजह से वॉलंटरी वर्क होता है. जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें शोल्डर की, स्कैपुला की, अगर स्कैपुला का पोस्चर अपनी जगह पे, ठीक जगह पे नहीं है, तो पूरा का पूरा शोल्डर की मूवमेंट अच्छी नहीं होगी. सो दैट इज योर पोस्चरल कंट्रोल. ठीक है, लेकिन पोस्चरल कंट्रोल भी नहीं है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी नहीं हो रही है, तो भी आपके स्कैपुला में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो बोथ अदर थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, सो दैट इज ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम. ठीक, दीज बोथ आर लाइक प्रोवाइडिंग यू कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स. ठीक है, देन रिफ्लेक्स थ्योरी. रिफ्लेक्स थ्योरी जैसे हमने वोस्ता में भी पढ़ी थी, रिफ्लेक्स थ्योरी इज लाइक हमें कोई भी पर्पसफुल मूवमेंट के लिए एक रिफ्लेक्स होता है. ठीक है, मसल्स का रिफ्लेक्स होता है, या फिर हमें कोई भी टाइप ऑफ वर्क करना है, कुछ करना है, तो हम धीरे धीरे करके उसको सीखते हैं और वो एक रिफ्लेक्स सिस्टम बन जाता है कि अब ये चीज़ होगी तो ऐसा ही काम करना है. ठीक, और वो किसकी वजह से होता है, एक सीरियस की वजह से, बार बार रिपीटिशंस की वजह से. ठीक है, MRP में भी हमने यही देखा था कि रिपीटिशंस मेक्स अ रिफ्लेक्स एंड हेल्प्स इन अ लर्निंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज. ठीक है, देन देयर इज वन ऑफ द मॉडल नोन एज हायरार्कल मॉडल. हायरार्कल मॉडल में क्या होता है कि जो भी ब्रेन है, ठीक है, मतलब कि जो भी एक बॉडी का पूरा सिस्टम है, इट वर्क्स इन 3 डिफरेंट लेवल्स, हायर, मिडिल एंड लोअर. हायर मींस जैसे मान लीजिए कि CNS है, ब्रेन है, ये मिडिल और लोअर सिस्टम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है. दैट टाइप ऑफ दिस थ्योरी वॉज ऑरिजिनली मीन्स इफ यू कैन से दैट बोबाथ वॉज ऑरिजिनली बेस्ड ऑन हायरार्कल मॉडल बिफोर, बट एज देर आर मॉडर्न चेंजेस अकरिंग, तो एक नेक्स्ट मोड है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच मॉडल. सिस्टम अप्रोच मॉडल में क्या होता है कि कोई भी हायर और लोअर लेवल नहीं है, मतलब कि ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं. ठीक है,
अगर कोई कोई मूवमेंट हमें करानी है तो हमें एक टाइप ऑफ सेंसेशन मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्स जनरेट होगा, वो ब्रेन पे मैसेज जाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि ब्रेन को सब पता है तो ब्रेन की वजह से हमें मूवमेंट करने को मिल रही है। हम मूवमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से भी ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है कि वो याद कर सके। सो ऐसे ही दीज आर दिस इज नोन एज सिस्टम अप्रोच मॉडल। सिस्टम अप्रोच मॉडल इज द न्यू थ्योरी ऑन विच दैट योर बुबात और एनडीटी इज बेस्ड अपॉन। ओके, द एनडीटी इज टोटली बेस्ड अपॉन सर्टेन थिंग्स विच इज नोन एज लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप समझ लें न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज एक ऐसा टाइप ऑफ थ्योरी है जिसमें बोला जाता है कि जो आपके नर्व्स डैमेज हो चुके हैं या जो आपका ब्रेन डैमेज हो चुका है उसके साथ साथ कुछ न्यूरल टिश्यूज हैं जो कि उसके आसपास हैं, उस डैमेज पार्ट के आसपास हैं जो कि हेल्प करती हैं वो सारे पैटर्न को रीजनरेट करने में या फिर उसको दोबारा से याद करने में जो पहले से हो चुके हैं या जो आपको याद करते हैं। इट इज़ लाइक वी आर हैविंग अ कोलेट्रल्स। ठीक है, मेरा ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया तो इसके जो साथ के पार्ट्स हैं जो उस समय काम नहीं करते थे अब वो इसके साथ साथ एक कनेक्शन बना लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह क्या होगा कि इन सब में एक कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और वो इसका काम ये करने लग जाएगा। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो कि हम बहुत कम अपना ब्रेन यूज कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज नॉट यूजिंग दैट इज स्टिल स्पेयर, सो उसको भी हम यूज करा सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके कुछ जनरल रूल्स हैं। हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं तो स्ट्रोक 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज फ्लैसिडिटी, सेकेंड स्टेज स्पासिटी, थर्ड स्टेज रिकवरी। फ्लैसिडिटी में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, एक बिल्कुल बेसिक चीज है, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करते हैं जिसमें उसका एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ पोस्चर अटेन हो पेशेंट का। ठीक है, वी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग कुछ ट्रीटमेंट ऐसा देते हैं जैसे कि हम लोग सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं कि उसकी टोन वापस आए। ठीक है, और उसका एबनॉर्मल पोस्चर ना बने। ठीक है, सेकेंडली स्पासिटी। स्पासिटी टोन बढ़ने का मतलब है डेट यू आर कमिंग टूवर्ड्स द रिकवरी फेज। ठीक है, आप रिकवरी फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, डेट इज अ गुड साइन कि टोन वापस आ रही है, लोगों की सेंसेशन वापस आ रही है। सो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, एट दिस टाइम वी ट्राई टू रिड्यूस द टोन। ठीक है, और उसके लिए हम लोग कुछ भी सेंसरी मोटर रिफ्लेक्सेस दे सकते हैं, हम कुछ मूवमेंट ऑफ पैटर्न्स कराते हैं टू अचीव द माइलस्टोन्स विच अ पेशेंट हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन और हैज नॉट बीन अचीव्ड येट लाइक इन सीपी। ठीक है, तो हम लोग उसके हिसाब से एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, एंड देन इन रिकवरी फेज। रिकवरी फेज तब हो जाता है जब उसकी स्पासिटी अच्छी खासी रिड्यूस हो गई है, पेशेंट इज हैविंग अ गुड कंट्रोल, उसका पोस्चर कंट्रोल अच्छा हो गया, उसका वॉलेंट्री कंट्रोल बहुत बेटर हो चुका है। नाउ द रिकवरी फेज इज वेन द पेशेंट इज गेटिंग ट्रीटेड फॉर द हैंड फंक्शन, स्किलफुल टास्क जो वो कर सकता है, गेट कंट्रोल कर सकता है, जितना ज्यादा हो सके इंडिपेंडेंट वो हो सकता है। सो बेसिकली द एनडीटी इज बेस्ड ऑन द अचीविंग ऑफ द माइलस्टोन्स। इफ द पेशेंट इज अडल्ट दैट मीन्स अडल्ट हेमिप्लेजिया, तो ही इज रीलर्निंग ऑल दीज थिंग्स। इफ द पेशेंट इज अ चाइल्ड हु हैज नॉट अचीव माइलस्टोन्स, तो मेकिंग हिम अचीव दोज माइलस्टोन्स आर द बेसिक मेन मोटो ऑफ द एनडीटी। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कई सारे मेथड से इसको यूज करते हैं। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हम एक ऐसा सेंसरी स्टिमुलाय देते हैं, ठीक है, जो या तो फैसिलिटेट करे या फिर इनहिबिट करे टोन को या एक एक्टिविटी को। ठीक है, अगर टोन ज्यादा है तो उसको इनहिबिट करना है, अगर टोन कम है तो उसको फैसिलिटेट करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड होता है हम कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं जो या फिर हम कुछ ऐसे मूवमेंट्स कराते हैं जो कि बेस्ड होते हैं आपके
माइलस्टोन्स पे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग माइलस्टोन्स अचीव करते हैं उसी पैटर्न में हम लोगों को मूवमेंट करानी होती है। ठीक है, थर्ड वह जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको यूज करते हैं हम टू रिगेन द मोबिलिटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि हमें फैसिलिटेट करना है या फिर इनहिबिट करना है, और कौन से रिफ्लेक्सेस हैं इनको हम यूज कर सकते हैं, किनको हमें इंड्यूस करना है और किनको हमें इनहिबिट करना है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा वो अचीव कर चुका है, उनके किस किस चीज़ के पैटर्न्स हैं और हमें किसके लिए क्या मेजर लेने हैं। ठीक है, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग पोस्चरल कंट्रोल। ठीक, सो पोस्चरल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी न्यूरो डेवलपमेंटल और एनी न्यूरो केसेस जिनमें कोई चेंजेस हो रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर यूटिलाइजेशन ऑफ MRP, मतलब कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ MRP क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट रिपिटिशंस, जितना ज्यादा रिपिटिशंस करेंगे उतना अच्छा क्या होगा, उसको वो चीज याद रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम हमेशा से रिहैब में भी यूज करते हैं, हर उसमें यूज करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है दैट व्यू द पेशेंट एज अ होल। ठीक है, नॉट जस्ट अ पार्ट। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल में उसको सिर्फ हाफ बॉडी में प्रॉब्लम हुई है या उसके सिर्फ मोनोप्लेजिया हुआ है, ठीक है, या फिर उसका सिर्फ हाथ नहीं चल रहा। ठीक, बट वी नीड टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज में क्या क्या लॉस हो रहा है, उसके साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट पे क्या क्या लॉस हो रहा है, एंड रिहैब के बेस पे उसके सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर हम रिहैब के बेस पे देखें तो इट इज लाइक अ व्यूइंग द पेशेंट एज अ होल, दैट इम्प्लाइज दैट यू नीड टू चेक हिज साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल एज फिजिकल, एंड जो उसकी डिजीज है उसके स्टेटस को हमें क्योर करना होता है। यहाँ पे है कि हमें उसको एज अ होल, एज अ बॉडीली पूरा देखना है, साइकोलॉजिकल देखना है, नॉट जस्ट अ पार्ट। वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी आस्पेक्ट, वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल और एनाटॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, सो वी हैव टू चेक ऑल दीज पैटर्न्स। ठीक, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट और थेरेपिस्ट में एक इंट्रैक्शन बना रहे, वो उसको उसकी चीज़ों को फॉलो करे, और इसके लिए एक फ्रेंडली बट एक स्ट्रिक्ट थेरेपिस्ट भी होना चाहिए। मीन्स पेशेंट शुड लिसन टू यू। ठीक है, जो आप उसको कमांड करें उस चीज़ को वो सोचे, समझे और अच्छे से फॉलो कर सके। ठीक है, ठीक है, सो दीज वर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। अगर हम लोग प्रिंसिपल्स को एक और बार थोड़ा सा छोटा कर रहे, तो सबसे पहले नॉर्मलाइज मसल टोन, इनहिबिट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, जो भी रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं उनको इनहिबिट करो, और एग्जिबिट करो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मूवमेंट्स को बढ़ाए, तो नॉर्मल पोस्चरल कंट्रोल वो करो, पोस्चरल कंट्रोल को जो है हमें फैसिलिटेट करना है, नॉर्मल पोस्चर्स को हमें अटेन करना है, और ट्रीटमेंट करना है हमें एक माइलस्टोन्स टाइप या फिर हमारे डेवलपमेंटल टाइप्स में। ठीक है, नाउ एनडीटी है सर्टेन गोल्स टुवर्ड्स द हेमिप्लेजिया। अगर हम एडल्ट हेमिप्लेजिया के बारे में बात करते हैं, सो द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट गोल इज टू निग्लेक्ट एंड टू इनहिबिट सर्टेन टाइप्स ऑफ पोस्चर्स जो कि स्पास्टिसिटी को जो कि या फिर टोन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता हो। ठीक है, ऐसे पोस्चर्स को जो कि एबनॉर्मल पोस्चर देता है, ऐसे पोस्चर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए एट एनी कंडीशन। सेकेंड गोल ओरिएंटेड इज समथिंग दैट वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन ADLs, फंक्शनल एक्टिविटीज जो पेशेंट कर सके। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो भी आपका इफेक्टेड लिम्ब है उसको जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे किसी तरीके से टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस कराएं या फिर हम उसको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कराएं, डिपेंड करता है
कि आप किस चीज के लिए करा रहे हैं, बट यू नीड टू ट्राई टू इन्वॉल्व योर इन्वॉल्व्ड लिम्ब, ठीक है, जो इफेक्टेड लिम्ब है उसको जितना से जितना ज्यादा हो सके अपनी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व कराइए, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीमिटीज, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीमिटीज, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ट्रंक कंट्रोल, नेक कंट्रोल। सो जो पोस्चर है या जो गोल है वो आपका सिर्फ लिम्ब्स को ही लेके नहीं है, ट्रंक कंट्रोल, नेक कंट्रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ बिफोर लर्निंग द टेक्निक्स, थिंग्स टू रिमेम्बर, फ्लेक्सड स्टेट, तीन स्टेजेस हैं, फ्लेक्सड इनिशियल स्टेज, स्पास्टिक आपके मिडिल स्टेज, एंड देन योर थर्ड इज योर रिकवरी स्टेज। अकॉर्डिंग टू बोबाद दैट आफ्टर हेमिप्लेजिया देर आर थ्री स्टेजेस, ठीक है। पहले ये माना जाता है जितनी जल्दी फ्लेक्सड स्टेट खत्म होगी, ठीक है, उतनी जल्दी स्पास्टिक स्टेट आएगी, उतना अच्छा प्रोग्नोसिस होगा। कहते थे कि 18 मंथ्स के अंदर 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 जितनी अच्छी रिकवरी होगी, जितनी जल्दी पेशेंट आएगा और रिकवरी करेगा उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहेंगे, बट आफ्टर डेवलपिंग अ न्यूरोप्लास्टिसिटी दिस ऑल हैज बीन बिकमिंग रॉन्ग, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी कैन बी इवन हैपन एट एनी टाइम ऑफ द एनी टाइम आफ्टर द इंजरी और एनी टाइम आफ्टर द डिजीज, बट एन अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प इन अ बेटर प्रोग्नोसिस एंड फास्टर प्रोग्नोसिस, ठीक है। सो थिंग्स टू रिमेंबर अगेन, फ्लेक्सर स्टेट में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि टिपिकल पोस्चर या फिर एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस को एग्रवेट करे, ठीक है। सेकेंड, स्पासिटी की स्टेज में हम ऐसी चीजें करेंगे जो कि उसकी स्पासिटी, उसकी सिनर्जी पैटर्न को ब्रेक डाउन करे, ठीक है। और थर्ड स्टेज में हम ऐसा करेंगे जिससे कि जितनी भी उसकी रिकवरी है और जो इन्वॉल्व हैंड है उसको और ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, वो इन्वॉल्व हैंड को ज्यादा यूज करें, ठीक है। सो डेट वॉज अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनडीटी, ठीक है। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी कुछ टेक्निक्स करेंगे जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। थैंक यू।